एंटायर हाउस होल्ड में हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेके एक बार फिर मैं आपके सामने आई हूँ। टिक्किया तो आपने खूब बनाई होगी और खूब खाई होगी, पर वो छोले टिक्किया होगी जो कि आयल से भरी हुई रहती है, जो कि अनहेल्दी तो खैर रहती है पर कभी कभी चीट मील के साथ उन्हें हम ले सकते हैं। ये थोड़ी सी हेल्दी रेसिपी है, इसे ज़रूर बनाइए और खाइए। चलो देखते हैं कैसे बनती है ये। हेलो फ्रेंड्स, इन छोलों को हमने रात को भिगो दिया था, फिर सुबह से बांध दिया था और बांधने के बाद इस तरह से इसमें ये अंकुरित हो चुके हैं। अंकुरित होने के बाद हमने इनमें 2 से 3 सीटियाँ लगाई है और सीटियाँ लगाने के बाद इसमें हम धनिया, बेसन, अदरक, तिल, लहसुन और ये मिर्ची जो कटी हुई है ये हम इसमें डालेंगे। जब काले चने को हमको पीसना होगा तब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। करीब मैंने इसमें 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डाला, 1 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है और करीब 2 से 3 हमने ये कटी हुई हरी मिर्च को डाल रहे हैं। बाइंडिंग के लिए हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन अगर आपकी बाइंडिंग अच्छी नहीं है तो बेसन की मात्रा बढ़ा सकते हो। मैंने करीब इसमें 2 कटोरी बेसन डाला है और 2 कटोरी मैंने इसमें काले छोले लिए हैं। अगर लगता है कि बेसन की मात्रा कम है, बाइंडिंग नहीं हो पा रही, तो आप बेसन की मात्रा को और बढ़ा सकते हो। अगर टिक्किया हमारी और अच्छी बने इसके लिए हम इन्हें बनाकर थोड़ी देर फ्रिज या फ्रीजर में रख सकते हैं 5 से 10 मिनट तक, जिससे अच्छी तरह से जम जाएगी और इसके बाद आप इसे फ्राई करें या डीप फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाएगी। अब हम इसमें सारे मसाले डाल दें, उन्हें हरी मिर्ची भी डाल दिए और हरा धनिया, लाल मिर्च स्वाद अनुसार और सूखा हुआ धनिया करीब 2 चम्मच और इसमें मैंने पुदीना पिसा हुआ पुदीना डाला और करीब 2 चम्मच नींबू का रस और करीब 1 प्याज को काट के मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक हमेशा आखिरी में डालें जब हमें बनाना हो, ताकि पानी ना छोड़े। टिक्किया के टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और चाट मसाला, इससे भी टिक्किया बहुत टेस्टी बनेगी। इस तरह से हमारा प्रिपेयर हो चुका है बेस्ट टिक्किया का। टिक्किया के साथ हमने चटनी भी बनाई है। इसे बनाने के करीब मैंने 2 चम्मच रोस्टेड चने लिए और 2 चम्मच नारियल का टुकड़ा लिया है, करीब 1-1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 छोटी केरी को हमने इसमें काट के डाला है। केरी ना हो तो आप टमाटर भी डाल सकते हो। करीब 4 से 5 चम्मच हमने इसमें कटी हुई हरे धनिया को डाला है। आप चाहो तो इसकी क्वांटिटी 1 कटोरी के रूप में ले सकते हो, 1 छोटी कटोरी। टिक्किया के साथ चटनी बहुत ही टेस्ट लगती है, इसे ज़रूर बनाएं। इसे चटपटी चटनी बनाने के लिए इसमें जो हमें जो मसाले डालेंगे वो भी थोड़े चटपटे से होंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, करीब मैंने 1 से 1.5 चम्मच जीरा पाउडर डाला है और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल रहे हैं। और नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे करीब 2 चम्मच पुदीना पाउडर। पुदीने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। पुदीना अगर हर वक्त अवेलेबल ना हो तो आप इस तरह से ड्राई करके रखिए और जब भी चटनी बनाना हो उसमें डाल लीजिए। और इसमें मैंने करीब 1 चम्मच काली मिर्च डाली और इसे हमने ग्राइंड कर लिया। टिक्किया के अंदर जो हम पनीर डालेंगे उसमें मैंने पनीर को कस लिया है और उसमें हरा धनिया बारीक काट दिया है। इसमें काला नमक, काली मिर्ची, जीरा पाउडर और चाट मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा पुदीना पाउडर भी, इसे हम अच्छे से मिला देंगे और जिससे जो हम स्टफ़ करेंगे तब इसको टिक्किया के बीच में हम इस तरह से डाल देंगे। अगर आपको स्टफ़ वाली नहीं बनानी हो तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हो। अब हम हाथ में तेल लगाएंगे और फिर जो हमने जो टिक्किया काले चने को इस तरह से पीस के सारे मसालों के साथ रखा है उस तरह से इसको ले लेंगे और अब इसको हम स्टफ़ करेंगे पनीर से। पनीर बहुत आसानी से इसमें आ जाएगा, चारों तरफ फैला के इसे जैसे कचौरी को हम बंद करते हैं उस तरह से बंद कर लेंगे। इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे और इस तरह से ही हमारी स्टफ़ वाली काले छोले की टिक्किया तलने के लिए तैयार हो चुकी है। इस तरह से हम सारी टिक्किया को बना लेंगे। बहुत ही आसानी से बनके ये तैयार हो जाएगी, कुछ समय नहीं लगेगा। और इस तरह से हमें सारी टिक्किया बना ली है। अब हम इसके ऊपर तिल को डाल के हल्का सा प्रेस कर देंगे। तिल को हमको दोनों तरफ लगाना है। तिल से दिखने में सुंदर तो लगेगी, साथ में हेल्दी न्यूट्रिशन वाली चीज़ भी हमें मिल जाएगी और दिखेगी तो सुंदर है। इस तरह से हम चारों तरफ हर टिक्किया के ऊपर फैला देंगे और जब ये अच्छे से फैला देंगे उसके बाद हम इसको पलटेंगे और पलट के दूसरी तरफ भी इस तरह से टिक्किया के ऊपर हम लगा देंगे। हमने दोनों तरफ इस तरह से लगा दिया और हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। तो तेल को हमने पैन में थोड़ा सा गर्म कर लिया है और अब इस टिक्किया को हम डाल रहे हैं। तेल गर्म होने के बाद हमने इसे धीमी आँच कर दी है और इसे धीमी आँच पर हमने इसे पकाया है और धीमी आँच पे ही इसको पकाना है ताकि ये अच्छे से कुरकुरी हो जाए। इस तरह जैसे हमारी एक टिक्किया बनके करके तैयार हो चुकी है
और इस तरह से हम सारे टिक्का को शेलो फ्राई कर लेंगे और एक हेल्दी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी। टिक्का अगर परफेक्ट नहीं बन पा रही, अच्छे से नहीं तल पा रही, तो उसका सिर्फ एक ही कारण होगा कि उसमें बेसन की मात्रा कम है। आप बेसन को और मिलाइए और फिर टिक्का बनाइए, और टिक्का बनाने के बाद आप इसे फ्रिज में और फ्रीज़र में रखिए 5 से 10 मिनट, और फिर उसके बाद इसे शेलो फ्राई कीजिए। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।